स्टार्ट रीडिंग 15th प्रॉब्लम. देखिए एक फिगर दिया हुआ है. फिगर कुछ इस तरह से है. इफ आई ड्रॉ इट नीटली, एक स्प्रिंग वर्टिकली इस तरह से लटक रही है, एक मास इस तरह से है और यह एक टेबल पर है, वहां यह दिख रहा है. यह मास इससे बंधा हुआ है और यह पुली के द्वारा यह एक दूसरा मास आइडेंटिकल मास M. हियर वी हैव गॉट A, हियर वी हैव गॉट B एंड इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है. अब फिगर शो टू ब्लॉक A एंड B ईच हैविंग मास ऑफ 320 grams. Each is having mass of 320 grams connected by a light string passing over a smooth light pulley. Horizontal surface on which block A can slide is smooth. This smooth surface yah diya hua hai. Block A is attached to a spring of a spring constant K equal to 40 newton per meter. K is 40 newton per meter, whose another end is fixed to a support 40 centimeter above the horizontal. This is 40 centimeter above the horizontal. Initially the spring is vertical and unstretched. This is unstretched. Unstretched spring. When system is released, find the velocity of block at the instant when it breaks off the surface below. Take GS. Now, हमें velocity determine करनी है. Velocity of two block at the instant when the block breaks off. Velocity when block breaks off the horizontal. देखिए जब यह ब्लॉक हॉरिजॉन्टल से ब्रेक ऑफ करेगा उस समय की मैं सिचुएशन को पहले एनालाइज करता हूं. मैं कलर चेंज करके ब्रेक ऑफ वाली पोजीशन को बनाता हूं. आई विल यूज डिफरेंट कलर्स टू शो दैट सिचुएशन. मान लीजिए ब्रेक ऑफ करते समय यह ब्लॉक इधर तक आ गया है. यह ब्लॉक इधर तक आकर यह स्प्रिंग इस तरह से दिखने लगे और यह थ्रेड इस तरीके से नीचे आ चुका है. यह मास एच हाइट से नीचे डिसेंड हो चुका है ब्रेक ऑफ करते समय. एच हाइट एच लेंथ से यह मास आगे आ चुका है और यह स्प्रिंग थीटा एंगल. यह सारे इंडिकेशन के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं. इधर मैं लिखता हूं यह H हाइट से नीचे आया है और यह मास H हाइट से आ रहा है और यह स्प्रिंग
थीटा एंगल से आ गया। मैंने कहा कि यह मास h से नीचे गिरा, यह h से आगे आया और यह स्प्रिंग ऐसे थीटा एंगल पर आ गया। नाउ व्हेन ब्लॉक ब्रेक्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसे लिखता हूं मैं, व्हेन ब्लॉक ए ब्रेक्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बिकम जीरो। इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जानी चाहिए, तब यह ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस से ब्रेक ऑफ कर जाएगा। अब इस सिचुएशन को मैं इधर फ्री बॉडी डायग्राम से दिखाता हूं। दिस इज ब्लॉक ए, यह ब्लॉक ए, इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी हम देखते हैं। एक फोर्स तो डेफिनेटली स्ट्रिंग के द्वारा यह टेंशन आगे की तरफ लगेगी। दूसरी फोर्स स्प्रिंग जो कि एलोंगेटेड है एक्स से, दिस स्प्रिंग इज एलोंगेटेड बाय एक्स, तो के एक्स लगेगी जो कि वर्टिकल से थीटा एंगल पर होगी। और एक फोर्स लगेगी mg, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो चुकी और इस समय पर यह ब्लॉक v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। अब ध्यान रहे, जब हमसे वेलोसिटी पूछी हो ऐसी सिचुएशन में जब स्मूथ सरफेस है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाना है, मगर उस एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को लगाने से भी पहले हमें जो काम करना है वह हम लिख रहे हैं। सबसे पहले ब्रेक्स ऑफ की कंडीशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह ब्लॉक को ब्रेक ऑफ करना है, यह ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस को जब ब्रेक ऑफ करेगा तो उसके लिए मैंने एक कंडीशन लिखी, व्हेन ब्लॉक ए ब्रेक्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जानी चाहिए। अब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गई तो उसके अलावा जो जो फोर्सेस है वहां मैंने इंडिकेट कर दी। इस पोजीशन पर यदि यह ब्लॉक ब्रेक ऑफ करा है, एच लेंथ आगे ट्रेवल कर लिया है, इस ब्लॉक के एच लेंथ आगे ट्रेवल कर लेने से यह ब्लॉक एच लेंथ से नीचे आ जाएगा और उस समय यह स्प्रिंग एलोंगेट एक्स से हो जाएगी। अब जब स्प्रिंग एलोंगेट एक्स से हुई तो इस स्प्रिंग की वजह से के एक्स फोर्स ऐसे लगेगा, यह न केवल एक्स से एलोंगेट हुई बल्कि यह स्प्रिंग वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बना ली, तो यह वर्टिकल के साथ यह एंगल भी थीटा दिखेगा, तो kx फोर्स इस तरफ लगेगा क्योंकि वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पर होगा। इसके अलावा इस थ्रेड की वजह से, स्ट्रिंग की वजह से टेंशन टी और इस ब्लॉक का वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो। वन कैन ऑलवेज राइट एक्सप्रेशन फॉर दिस x, x के लिए एक्सप्रेशन में इधर ही लिख देता हूं, यह लेंथ l लिखता हूं मैं, नेचुरल लेंथ l। तो अब इसकी लेंथ हुई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस इट्स नेचुरल लेंथ एल, दिस इज इक्वल टू एक्स, यह एक्स होएगा, दिस इज एलोंगेशन, यह इसकी टोटल लेंथ हो गई। पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यह हाइपोटेन्यूज हो गया और माइनस नेचुरल लेंथ एल, नेचुरल लेंथ यह एल हुई और यह इस स्प्रिंग के में एलोंगेशन एक्स हो गया। इसके अलावा मैं साइन थीटा और कॉस थीटा भी लिख सकता हूं। साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, क्योंकि उधर आवश्यकता पड़ेगी, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज एच अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, the value of cos theta is l upon under root of l square plus h square। आवश्यकता लगी तो मैं sin theta cos theta को इस्तेमाल करूंगा। अब
मैं सबसे पहले इक्वेशन बनाता हूं। एक इक्वेशन जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है पर जरूर लिख देता हूं, पी इज इक्वल टू के एक्स साइन थीटा एंड एम जी इज इक्वल टू के एक्स कॉस थीटा। ये इक्वेशन काम की, एम जी इक्वल टू के एक्स कॉस थीटा। सो दिस इज द टू इक्वेशंस। अब मैं कहता हूं एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल हमें लगाना होगा। पहले एक्स कॉस थीटा से हम एच के लिए सॉल्व कर सकते हैं। mg की जगह मैं m की वैल्यू रखूं, 0.32 इंटू 10 mg। k की जगह k की वैल्यू 40 इंटू, मैंने मास को एसआई सिस्टम में सब्सटीट्यूट करा, जी को एसआई सिस्टम में जो दे रखा था, mg इक्वल टू के एसआई सिस्टम में ही दे रखा है न्यूटन पर मीटर में, एक्स कॉस थीटा। अब एक्स इधर से लिखूंगा और कॉस थीटा भी इधर से लिखूंगा, तो यह हुआ एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स की जगह पर मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एल। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और इससे एच की वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी। मैं एच की वैल्यू के लिए इसे सॉल्व करता हूं, 0.08 इज इक्वल टू अपॉन एल। एल की जगह पर मैं लिख देता हूं 0.4, एल इज 0.4। इधर 0.0 काट दिया, 4 से काट दिया तो 0.08, एल की जगह 0.4 लिख दिया और इसको मैं अंदर ले जाता हूं 1 माइनस एल की जगह एल बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नाउ वी कैन सॉल्व फॉर एच। एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 0.08 बाय 0.4 इंटू 1 माइनस 0.4 बाय अंडर रूट ऑफ 0.16 प्लस एच स्क्वायर। दिस इज द हाउ वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज equal to 1 minus 0.4 by under root of 0.16 plus h square. One can always solve for h from here. This is the equation which is not used. This is a useful equation. Aur is useful equation se humne h ki value nikal di. Ab badi aasani se hum energy conservation principle apply kar denge और उससे हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन अब हम कैसे लिखते हैं, मैं इस जगह पर लिखता हूं इनिशियली जो एनर्जी है ब्लॉक के पास, दोनों ब्लॉक के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, स्प्रिंग के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं। एनर्जी कहां से मिल रही है, जब यह सिस्टम आगे की तरफ मूव कर रहा है तो इस ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, यह ब्लॉक जब नीचे जा रहा है तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और इसकी कम होती हुई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वह स्टोर हो रही है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में और दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में। तो मैं कंसेप्ट लिखता हूं पहले, decrease in
gravitational potential energy is equal to increase in potential energy of spring and kinetic energy of masses. This is the concept part. Ab decrease in gravitational potential energy kya kahunga? Ngh. This is decrease in gravitational potential energy. This increase in potential energy of spring kya kahunga? Half kx square plus kinetic energy of masses half mv square whole into 2. This is the concept that I will apply. Mass mujhe pata hai, g mujhe pata hai, h mujhe pata hai. H मैंने अभी अभी निकाल लिया है. मास 0.32, क्योंकि सिर्फ इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी कम हो रही है. मास 0.32, जी की जगह 10 और H मैंने वहां से निकाल लिया और सब्स्टिट्यूट करूंगा. हाफ K मुझे पता है, X भी मुझे पता है. इस इक्वेशन से अब मुझे X भी मिल जाएगा. इधर से X भी निकाल दीजिए, पहले से ही H निकालने के बाद. हाफ K पता है, X भी मुझे पता है और मास मुझे पता है वेलोसिटी स्क्वायर. इस इक्वेशन से पहले h की वैल्यू निकालिए, फिर h को इधर सब्स्टिट्यूट करके, ध्यान रहे सारी वैल्यूज एसआई सिस्टम में मतलब मीटर्स में सब्स्टिट्यूट करना. इधर से x की वैल्यू भी निकाल दी. h और x दोनों यदि आ गए तो इस कंसेप्ट को अप्लाई कर दीजिए कि डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मासेस. तो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर. दो मासेस दोनों की वेलोसिटी बढ़ रही है, दोनों भी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, तो दोनों मासेस की काइनेटिक एनर्जी हो गई. अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आपको वेलोसिटी की वैल्यूज मिल जाएंगी. यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. मैं क्यों ना इसे सब्स्टिट्यूट करके भी दिखाऊं, कहीं ना कहीं कोई जगह बनाकर कीजिए आप, यू विल सॉल्व इट. The final answer here given is, उसको verify कीजिए आप solve करके. मैं answer देखकर जरूर बता देता हूं क्या है. The answer is 1.5 meters. The answer is velocity is 1.5 meters per second. Solve करके इसे immediately verify जरूर. एच की क्या वैल्यू आई है? Somebody, could you please tell me? एच की क्या वैल्यू आई है सॉल्व करने पर? और एक्स की, हाँ एच की बताओ वैल्यू क्या आई? पार्डन पार्डन
3.81 मीटर्स, मीटर्स में ही बोल रहा हूं ना, इसे आपने मीटर्स में ही सॉल्व करा होगा। हाँ, आई डाउट यार, आई डाउट, आई रियली डाउट ओवर इट। चलो ठीक है, एक्स की क्या वैल्यू आई? नहीं यार, मुझे 3.81 तो गलत लग रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपने गलत करा, नहीं मुझे नहीं लगता है आंसर सही। ये हो गया 1/5 और ये हो गया 4/5 और 4/5 इक्वल टू 0.4, तो ये हुआ 10/5 टू, 10/5 मतलब इसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 4। एच स्क्वायर इक्वल टू 3.84 अंडर रूट, अंडर रूट ऑफ 3.84 होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ 3.84, एच इज अंडर रूट ऑफ 3.84। ये मुझे अब सही दिखता, मैंने क्या करा है मैं बता दूं, इधर 1/5 इधर ले गया तो 4/5, 4/5 इज दिस, तो 4 से 4 कैंसल्ड, तो इधर 4/5 दिखने लगा, 4/5 को फिर मैंने 10/5 लिख दिया, 10/5 2, नहीं सॉरी 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 अभी भी गए 2, 10/5 2 2, तो फिर ये हो गया 0.25, गलत गलत लिखा भी मैंने, अभी भी गलत लिखा, अंडर रूट हुआ 0.5, तो हुआ 0.25, 0.25 में 0.16 उधर जाके हो गया 0.09, 0.38 सी 0.3 आएगा, एच इक्वल टू 0.3 30 सेंटीमीटर। ध्यान से कैलकुलेट करो और फिर मैं x की वैल्यू लिखूंगा, ये 0.3 0.3 तो 0.09 0.16 0.25 0.25 0.5 0.5 माइनस l 0.1 x इक्वल टू 0.1 हो जाएगा, x इक्वल टू 0.1 हो जाएगा। और अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, इस जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, और सब्स्टिट्यूट करके मैं इक्वेशन लिखता हूं, m की जगह 0.32 इंटू जी और h की जगह पर 0.3, हाफ k की जगह पर मैं लिखूंगा 40 और x स्क्वायर की जगह पर 0.1 स्क्वायर प्लस m 0.32 इंटू वी स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व करके वेलोसिटी चेक कर लीजिए, इट शुड कम आउट टू बी दिस वैल्यू।